हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो। आज करने वाले हैं एक और अमेजिंग प्लेस को एक्सप्लोर, ज़ापोरिज़्या म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये म्यूजियम बेहद खूबसूरत है एंड ऑन डिस्प्ले दे हैव वर्क्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा, MF हुसैन एंड मैनी मोर। और इस म्यूजियम की खास बात है इसकी लोकेशन, किसी रिजॉर्ट से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यूँ कहिए वीकेंड गेटअवे के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। वन डे पिकनिक नियर पुणे के लिस्ट में ये बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये म्यूजियम खड़कवासला बैकवाटर्स पे है, तीनों साइड से लेक है और यही चीज़ इसे बनाती है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ब्यूटीफुल लॉन, एम्फी थिएटर, एक्टिविटी फॉर किड्स, लेक साइड कैफे और म्यूजियम में रखे अमेजिंग और यूनिक कलेक्शन का एक्सपीरियंस लेना तो बिल्कुल बनता है। हाईली रिकमेंडेड प्लेस नियर पुणे। म्यूजियम के अंदर ही आपको लेक व्यू रेस्टोरेंट मिल जाएगा। यहाँ खाने पीने का बढ़िया इंतज़ाम है, हाइजीनिक क्लीन प्योर वेज फूड विद ग्रेट व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए। ज़ापोरिज़्या म्यूजियम पुणे से अराउंड 27 किलोमीटर्स और खड़कवासला से सिर्फ 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ आने के लिए बेहतर होगा अगर आप अपने प्राइवेट कार या बाइक ही लाएं। ₹200 पर पर्सन ऑन वीकेंड्स इसकी एंट्री फीस है फॉर अडल्ट, ये है इसका टिकट काउंटर। 5 इयर्स तक के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है, फ्री पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। और टिकट्स में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। वीकेंड्स के टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, मंडे क्लोज्ड। और हाँ, अगर आपने एक बार म्यूजियम में एंट्री की है तो आप इवनिंग तक यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, टाइम का कोई लिमिट नहीं है। एंट्रेंस पे ही ये ब्यूटीफुल नटराज का स्टैचू डिस्प्ले में है, बेहद खूबसूरत। यू नो, अगर आर्ट और कल्चर या ऐसी ओल्ड कलेक्शन को देखना, उनके बारे में पढ़ना या ऐसी जगहों पे विजिट करना आपको पसंद है तो ये म्यूजियम आपको बेहद पसंद आने वाला है, ज़रूर विजिट करना। म्यूजियम के बारे में सारी ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की हुई है, तो अगर आने का प्लान करें तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ टोटल 10 आर्ट गैलरीज है जो स्पेशली महाराष्ट्र के कल्चर और आर्ट को दर्शाती है। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिलेगी बाय फेमस इंडियन आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा, MF हुसैन, प्रभाकर बर्वे और भी कई सारे नामी आर्टिस्ट। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, बट पेंटिंग्स जो है यहाँ पे बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत से एंटिक चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, जैसे कि ये लाइट्स एंड लैंटर्न्स, ये दिया स्टैंड है और इस तरीके के काफ़ी खूबसूरत पुराने ज़माने की चीज़ें यहाँ पे रखी गई है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक पूरी गैलरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैठनी सारी कलेक्शन को डेडिकेटेड है। कई सारे इसमें 200 साल से भी अधिक की चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले में रखी गई है, और ये किस तरीके का काम पहले होता था, पैठनी साड़ी स्पेशली कैसे बनती थी, उस सभी का प्रोसेस भी यहाँ पे दिखाया गया है। और जो जो मशीनरी जो पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी उसका भी खूबसूरत डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है। एंड वन फुल गैलरी इज डेडिकेटेड टू ओनली ज्वेलरी, ब्यूटीफुल पेशवा कालीन ज्वेलरी का डिस्प्ले यहाँ पे बेहद खूबसूरती से किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल से ज्वेलरी यहाँ पे डिस्प्ले में रखी गई है। एंड हियर इज द मैच बॉक्स कलेक्शन, लाइक बहुत सारे यहाँ पे मैच बॉक्सेस के कवर्स है जो कि कलेक्शन में रखे गए हैं।
बहुत ही यूनिक और कई सारे कंट्रीज के मैच बॉक्सेस के कलेक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी वो है ये ओल्ड कैमरा, जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी, जब उस टाइम का सिनेमा बनता था तो ये कैमरे का इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, कितना ह्यूज है, आप खुद ही देख लीजिए। सो ऐसी कई सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, बट 7 acres में फैला हुआ है ये खूबसूरत म्यूजियम, और इतना सब कुछ एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं। सो डू विजिट दिस प्लेस फॉर अ होलसम एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड किड्स। विजिटर्स के लिए कई सारी एक्टिविटीज है यहाँ, पूरा दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सो होप आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।